इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है फेमोट 40 mg। फेमोटिडीन ड्रग होती है, 40 mg उसकी डोज है। इसके अलावा इसमें 10 mg भी आती है, 20 mg भी अवेलेबल है। इस पैकिंग में आपको 10 टेबलेट्स मिलती हैं। शायगान फार्मास्यूटिकल्स की ये प्रोडक्ट है। ज्यादातर उन लोगों को ये ड्रग प्रेस्क्राइब होती है जिनको मैदे का मसला हो। अब देखिए, मैदे में क्या मसला हो सकता है? नॉर्मल सी बात है कि हम इंसान के मैदे में एक तेजाब प्रोड्यूस होता है, वो तेजाब जो है खाना हजम करने में मदद देता है। अब कुछ लोगों में ये तेजाब नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो लोगों को तेजाबियत महसूस होती है, जिसको हम कहते हैं कि या तो मैदा जल रहा है या फिर उनका जो है दिल जल रहा है, हार्ट बर्न कहते हैं इसे। ऐसी कोई कंडीशन है तो जाहिर सी बात है आपने तेजाब को थोड़ा कम करना होगा। तेजाब को कम करने के लिए फेमोटिडीन का इस्तेमाल होता है। 10 mg से लेकर 20 mg तक दिन में 2 बार या खाना खाने के 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप ये ड्रग ले सकते हैं, ताकि खाना खाने के बाद आपको तेजाबियत महसूस ना हो। अच्छा, हाइपर सिक्रेटरी कंडीशंस, यानी कि बचपन से ही या पहले से ही आपका जो तेजाब पेट में जो तेजाब प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो 20 mg की ड्रग दिन में 3 बार ले सकते हैं। अच्छा, एक होते है कि कुछ लोगों में जख्म पड़ जाता है, मैदे में जख्म पड़ गया और साथ में तेजाब भी है, तो वो तेजाब उस जख्म को मजीद बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। ऐसे कंडीशन में जख्म के लिए तो अलग से अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, लेकिन तेजाब को कम करने के लिए फेमोटिडीन का इस्तेमाल होता है। 40 mg अक्सर रात के वक्त ली जाती है, 8 हफ्तों तक लेते रहते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन, जर्ड की बीमारी। जर्ड क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता यह है कि जो मैदे के अंदर तेजाब होता है वो तेजाब थोड़ा ऊपर खुराक की नाली में आ जाता है, जिसको इसोफेगस कहते हैं। अब अगर वो थोड़ा ऊपर खुराक की नाली में आ गया तो जाहिर सी बात है खुराक की नाली जलेगी, उसके जलने से आपको ऐसा महसूस होता है कि जिल भी जल रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर तो वो ऊपर खुराक की नाली में कोई जख्म प्रोड्यूस नहीं करता, 20 mg की ड्रग दिन में 2 बार 6 हफ्तों के लिए काफी रहेगी। लेकिन अगर खुराक की नाली को भी डैमेज करता है, 20 mg से 40 mg की ड्रग पर ओरल दिन में 2 बार 12 हफ्तों तक इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स के, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको सर दर्द होता है, किसी को डायरिया हो जाता है, डिजीनेस यानी सर चकराना, कुछ लोग कहते हैं कि कब्ज हो जाती है। इस तरह के कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स लोग रिपोर्ट करते हैं। ओवरऑल ड्रग सेफ है, कोई खास किस्म का वार्निंग साइन नहीं है। हाँ, अगर आपको एलर्जी हो जाती है ड्रग की वजह से तो ड्रग छोड़ दें। और प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें, इस तरह की ड्रग्स प्रेगनेंसी में खुद ब खुद इस्तेमाल नहीं होती। कभी भी प्रेगनेंसी में ड्रग इस्तेमाल करनी हो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें और उसके मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।